हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 महत्वपूर्ण आइडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि जो आइडियम एंड फ्रेज है ये 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 3 नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो आपको इसके कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो देखिए, 7 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें आंसर कैसे लिखना है। तो ये 7ों आपको अच्छे से आ जाएगा, बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है ए मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसका अर्थ लिखना है इंग्लिश में और उसका वाक्य प्रयोग, इस वर्ड का वाक्य प्रयोग सेंटेंस में कर देना है। जैसे हिंदी में आप लिख कर दिया रहता था इसी की जगह पर ईद का चांद होना, ठीक है, तो उसका अर्थ लिखते थे कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, फिर आपको क्या करना पड़ता था, वाक्य प्रयोग। वैसे सेम इसमें भी है, ठीक है। आइडियम्स का मतलब ही होता है मुहावरे और फ्रेजेस का लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है ए मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब आपका होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिभा युक्त व्यक्ति। तो इसका हम लिख सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं टैलेंटेड, ठीक है। इसका अर्थ लिखना है, देखिए ए मैन ऑफ पार्ट्स का ये अर्थ है, ठीक है। अब देखिए, आप इस वर्ड को, ए मैन ऑफ पार्ट को, जो क्वेश्चन है उसको वाक्य सेंटेंस में आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ही विल, हम लिख देते हैं ही विल अचीव, ही विल अचीव सक्सेस एज ही इज, अब यहाँ पर आपको लिखना है ए मैन ऑफ, ए मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ये मैन ऑफ पार्ट्स। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। देखिए, क्या है ए मैन ऑफ पार्ट, इसका हम मीनिंग लिख सकते हैं टैलेंटेड। देखिए, हमें इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, जैसे हिंदी में हम लिखते थे तो हिंदी में ही हम उसका अर्थ लिखते थे, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसका मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया, सेंटेंस में इसका यूज कर दिया, ही विल अचीव सक्सेस एज ही इज ये मैन ऑफ पार्ट। देखिए, क्वेश्चन आपका एक सेंटेंस में, सेंटेंस का पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होता है, इसका मतलब होगा ही विल अचीव सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करेगा एज, क्योंकि ही इज ए मैन ऑफ पार्ट्स, वह एक प्रतिभायुक्त व्यक्ति है, यानी कि वह एक टैलेंटेड व्यक्ति है, ठीक है। देखिए, हमने इसी क्वेश्चन को इस सेंटेंस में यूज कर दिया, ऐसे ही आपको भी करना है, यही आपका होता है आइडियम्स, ठीक है। जैसे देखिए, अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग हम अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं हम इरेगुलरी, ठीक है, ई रेगुलरी, ठीक है, इरेगुलरी, या आप लिख सकते हैं एट रैंडम, ठीक है। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि अनियमित रूप से, इसका अर्थ होगा इंग्लिश में इरेगुलरी, यानी कि अनियमित रूप से इसका मतलब भी होता है, ठीक है। तो या अब देखिए, इसका यूज हम कर देते हैं सेंटेंस में, तो देखिए क्या लिखेंगे, नाउ ए डेज, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शुड नॉट, ठीक है, स्टडी, स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से स्टडी, अध्ययन की अध्ययन नहीं करना चाहिए, उन्हें नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। अनियमित रूप का मतलब
थोड़ा गड़बड़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो देखिए फिट्स एंड स्टार्ट का यूज हमने इस सेंटेंस में कर दिया, इसी को हम कहेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। थर्ड देखिए हमारा क्या है, कॉल ये स्पेड ए स्पेड। तो देखिए इसका अर्थ होता है साफ साफ कहना, ठीक है। काल ये स्पेड यानी कि साफ साफ कहना, तो इसका हम देख सकते हैं मीनिंग टू स्पीक प्लैनली, ठीक है प्लैनली। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम कर देते हैं, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, ए करेजियस, ठीक है ये करेजियस पर्सन, ये करेजियस पर्सन ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है ये करेजियस पर्सन ऑलवेज कॉल्स ये स्पेड ए स्पेड, ठीक है। यानी कि एक साहसी व्यक्ति साफ साफ हमेशा साफ साफ कहता है, अपनी बातों को साफ साफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है उसमें हकबकाहट नहीं होती। तो कॉल्स ये स्पेड हमने इस सेंटेंस में यूज कर दिया, ऐसे ही आपको करना है। देखिए एक्सरसाइज करने से जो आपका जो ये अगर आप लगातार लगाएंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या है, फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है चारों ओर, तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थ इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है इन ऑल डायरेक्शन यानी कि चारों ओर। अब हम इसका यूज कर देते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बीकेम फेमस, ठीक है महात्मा गांधी बीकेम फेमस फार एंड वाइड, ठीक है यानी कि महात्मा गांधी चारों ओर प्रसिद्ध हैं, ठीक है महात्मा गांधी बीकेम फेमस फार एंड वाइड, यानी कि महात्मा गांधी जी चारों ओर प्रसिद्ध हुए, ठीक है समझ में आया। अब पांचवा देखिए हमारा क्या है, पांचवा हमारा है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है संकट में, ठीक है तो इसका हम लिख सकते हैं इन एन, ठीक है इन एन अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन यानी कि संकट में, ठीक है तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होगा इन एन कंफर्टेबल पोजीशन। इसका हम लिख सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज फीलिंग लाइक ये फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि क्या कहा गया है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज फीलिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि अपनी पिता की मृत्यु के बाद वह अपने आप को, ठीक है संकट में महसूस कर रहा है, ही इज फीलिंग, वह अपने आप को संकट में अनुभव कर रहा है यानी कि अपने आप को संकट में महसूस कर रहा है, ठीक है समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर भी देखिए फिश आउट ऑफ वाटर का यूज हमने किया है। देखिए अब हमारा छठवां इम्पोर्टेंट आता है जो कि है इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, इसको हम लिख सकते हैं डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, आपने कहीं कहीं यूज हुआ देखा भी होगा, ठीक है इसे हम डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसका वाक्य प्रयोग, इन स्पाइट ऑफ, ये आपको आगे यूज होता हुआ दिखेगा, ठीक है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही टुक पार्ट इन, ठीक है द गेम, यानी कि क्या कहा जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही टुक पार्ट द गेम, ठीक है यानी कि
बीमार होने के बावजूद भी ही टुक पार्ट इन गेम, उसने खेल में भाग लिया। ठीक है, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी उसने खेल में भाग लिया, खेल में उसने अपना एडमिशन किया। ठीक है, समझ में आया। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही टुक पार्ट इन द गेम। तो आप कोई जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही यूज करें सेंटेंस को अपने, जैसे मैंने यहाँ पर किया है इन स्पाइट ऑफ का, आप किसी और सेंटेंस को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे सातवां हमारा था नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है प्रत्येक स्थान, तो प्रत्येक स्थान को हम लिख सकते हैं एवरी प्लेस। ठीक है, इसका मीनिंग लिख सकते हैं, तो नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरी प्लेस, यानी कि प्रत्येक स्थान। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसका वाक्य प्रयोग, सी सर्च्ड, और सर्च के बाद जो लगता है वो फॉर लगता है। ठीक है, फॉर हर नेकलेस इन एवरी नूक एंड ठीक है कॉर्नर ऑफ द हाउस। ठीक है, एवरी नूक एंड कॉर्नर देखिए हमने यूज कर दिया, यानी कि सी सर्च्ड फॉर हर नेकलेस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, यानी कि उसने अपने नेकलेस को घर के प्रत्येक स्थान पर तलाश की। ठीक है, यानी कि उसने अपने नेकलेस का घर के प्रत्येक स्थान पर तलाश किया। ठीक है, समझ में आया, सी सर्च टू फॉर द हर नेकलेस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, उसने अपने घर में नेकलेस को हर स्थान पर ढूंढा। ठीक है, तो ये आपका होगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए इसी प्रकार से आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के आंसर देने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन दिया रहेगा उसका अर्थ लिखना है इंग्लिश में, फिर उसको आपको सेंटेंस में यूज कर देना है। ठीक है, आपको फुल नंबर दे दिए जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, पहले भी मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, और भी जो टॉपिक हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन एंटोनिम सिनोनिम्स इन सभी के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगर कोई भी टॉपिक आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।